नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बागी विधायक और शिवसेना गुट में शामिल शिवसेना के पूर्व नेता रामदास कदम ने सीधे पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पर 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। तो यवतमाल अमरावती की सड़कों पर उभरे गड्ढों को लेकर 8,000 स्कूली बच्चों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। वहीं मुंबई में 23 साल की सानिया शेख के मर्डर की दहला देने वाली मिस्ट्री सुलझ गई है। पति और देवर ने मिलकर महिला को मौत के घाट उतारा था। तो उधर कोल्हापुर की रहने वाली 45 वर्षीय कविता चावला अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 में पहली करोड़पति बन गई है। इस बीच महाराष्ट्र के 16 जिलों के विभिन्न तालुकों की 547 ग्राम पंचायतों में आज मतगणना हो रही है। अब तक आए नतीजों में उद्धव खेमे पर शिंदे गुट भारी पड़ता नजर आ रहा है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बागी विधायक और शिवसेना गुट में शामिल शिवसेना के पूर्व नेता रामदास कदम ने सीधे पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पर 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखित में दी है और इसकी जांच कराने की मांग की है। कदम ने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे बार बार शिंदे गुट के विधायकों पर 50 खोखे लेने का आरोप लगा रहे हैं। असल में खोखे लेने की आदत तो उन्हें है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से 100 करोड़ रुपए लिए हैं। बता दें कि कदम जब शिवसेना में थे उस समय देवेंद्र फडणवीस सरकार में 2014 से 2019 तक पर्यावरण मंत्री थे और प्रदूषण नियंत्रण मंडल उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता था। कदम ने कहा कि जब मैं पर्यावरण मंत्री था तब प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया। आदित्य कहते फिर रहे थे कि ये सब उन्होंने किया। 2 साल तक वो बिना अधिकार के मेरी सरकारी बैठकों में दखल देते थे। गौरतलब है कि कभी उद्धव ठाकरे के करीबी रहे पूर्व शिवसेना नेता रामदास कदम आजकल बागी होकर शिंदे कैंप में शामिल हो गए हैं। अब उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। कदम ने आरोप लगाया है कि उद्धव हमेशा कहते हैं कि वो बाला साहेब के बेटे हैं। ये बात हम सब जानते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि उन्हें इस बात का शक है क्या? राहगीरों को समझ में नहीं आता है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क बनी हुई है। इसी सड़क से आसपास के 34 स्कूलों के 8,000 स्कूली छात्र छात्राएं भी रोज गुजरते हैं। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि जब हम इस सड़क से गुजरते हैं तब ऐसा लगता है कि हम यमराज के दरवाजे पर जा रहे हैं। हमेशा ये डर बना रहता है कि सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट में अगला नंबर हमारा तो नहीं है। रोज रोज की तकलीफ से परेशान होकर इन स्कूलों के 8,000 स्टूडेंट्स ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भावुक पत्र लिखे हैं। स्टूडेंट्स ने मंत्री महोदय से इस सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की है। 3 राज्यों को जोड़ने वाले यवतमाल अमरावती हाईवे को फिलहाल मौत का रास्ता भी पुकारा जाने लगा है। उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ने के उद्देश्य से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर अमरावती जिले में धामणी तहसील के भोकर बारडी गांव से हरिहाल, सीमा डो, परतवाड़ा, अमरावती, बडनेरा, नांदगांव, खंडेश्वर, नेर, यवतमाल, उमरी से लेकर पांडरकौढ़ा तहसील के करंजीत तक ये नेशनल हाईवे प्रस्तावित था। हालांकि राजनीतिक उदासीनता के चलते अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। सड़क पर होने वाली रोज रोज की तकलीफ से तंग आकर दोनों जिलों के 34 स्कूलों में पढ़ने वाले 8,000 स्टूडेंट्स ने नितिन गडकरी के नागपुर के सावरकर नगर स्थित उनके कार्यालय के पते पर ये पत्र भेजे हैं। मुंबई में 23 साल की सानिया शेख के मर्डर की दहला देने वाली मिस्ट्री सुलझ गई है। पति और देवर ने मिलकर महिला को मौत के घाट उतारा था। बकरी ईद के मौके पर हैवान पति ने अपनी पत्नी का ही सिर धड़ से अलग कर दिया और भाई के साथ मिलकर लाश को इस कदर ठिकाने लगाया कि पुलिस अभी तक महिला के सिर की तलाश में है। मुंबई के वसी पुलिस ने पिछले साल सानिया शेख की हत्या के मामले में आरोपित देवर को गिरफ्तार किया है। हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने बताया कि साल 2017 में आसिफ और सानिया की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद आरोपित पति आसिफ शेख, उसके माता पिता भाई यूसुफ शेख, पत्नी सानिया और एक बेटी नाला सुपारा पश्चिम में 2 कमरे के मकान में रह रहे थे। सानिया के चाचा जहूर मुकाशी ने बताया कि शादी के बाद आसिफ के परिवार ने सानिया को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। वे सानिया से उसके मायके से पैसे और संपत्ति की मांग कर रहे थे। सानिया ने अपने मायके वालों से आखिर बार 8 जुलाई 2021 को बात की थी। उसके बाद उससे बात ही नहीं हुई। बेटी का हाल जानने चाचा मोकाशी और कुछ अन्य रिश्तेदार मुंबई आए तो पता चला कि सानिया के ससुराल वालों ने नाला सुपारा में अपना फ्लैट बेच दिया और चेंबूर में शिफ्ट हो गए हैं। सानिया के परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मामला कुछ और ही निकला।
कोल्हापुर के रहने वाली 45 वर्षीय कविता चावला अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 में पहली बार करोड़पति बन गई है। वो एक हाउसवाइफ है। कविता ने बताया कि केबीसी में जाना उसका सपना था और इस सपने को पूरा करने में उसे 21 साल और 10 महीने लगे। कविता चावला ने बताया कि वो अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता 10वीं कक्षा के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। शादी से पहले 12वीं कक्षा को पास कर गई, क्योंकि उसके टीचर ने उसकी पढ़ाई के लिए उसके पिता से आगे पढ़ाने की मांग की थी। शो के लिए तैयारी के बारे में बताते हुए कविता चावला ने कहा, केबीसी जब से शुरू हुआ है तब से मैं शो में जाना चाहती थी और ये मेरा सपना बन गया था। मैं अपने बेटे को घर पर पढ़ाती थी और साथ साथ मैं शो की भी तैयारी करती थी। घर के कामों को पूरा करने के बाद कुछ समय वर्तमान के बारे में अपडेट रहने के लिए पढ़ती थी, जिससे मेरा सामान्य ज्ञान मजबूत हो सके। कविता ने बताया कि मुझे हॉट सीट तक पहुंचने में काफी समय लगा, क्योंकि मैं कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी। साथ ही बताया कि जो पैसे वो शो में जीती है वो अपने बेटे के भविष्य के लिए निवेश करेंगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो आगे बढ़े। साथ ही ये भी कहा कि पूरे भारत की यात्रा करना चाहती हूँ और इसकी सुंदरता का अनुभव करना चाहती हूँ। कविता चावला आज 19 और कल 20 सितंबर को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति 14 में हॉट सीट पर नजर आएंगी। महाराष्ट्र के 16 जिलों के विभिन्न तालुकों की 547 ग्राम पंचायतों में आज मतगणना हो रही है। सबसे ज्यादा नंदुरबार जिले की 139 ग्राम पंचायतों और यवतमाल जिले की 72 ग्राम पंचायतों के लिए वोटों की गिनती जारी है। धुले जिले की 33 ग्राम पंचायतों के लिए व जलगांव जिले की 13 ग्राम पंचायतों के भी नतीजे आज जारी होंगे। अब तक आए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे में उद्धव ठाकरे खेमे पर शिंदे गुट भारी पड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के लिए एक दिन पहले ही रविवार को मतदान हुआ था, जबकि आज सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है। फिलहाल कई ग्राम पंचायतों के नतीजे जारी हो चुके हैं। हालांकि सभी पंचायतों के फाइनल नतीजे आज देर शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। बुल्डाना जिले में 7 में से 4 महिला सरपंच विजयी हुई है, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA को 2 स्थान और BJP ने 1 स्थान पर जीत दर्ज की है। अब तक आए नतीजों में अकोला, जलगांव और नंदुरबार में शिंदे समूह की शिवसेना से आगे है। कई ग्राम पंचायत सीटों पर शिंदे समूह ने शिवसेना को तगड़ा झटका देते हुए ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में शिंदे समर्थक समूह के उम्मीदवार शिवसेना की तुलना में मजबूत स्थिति में है। वहीं अब तक घोषित नतीजों में कांग्रेस का बुरा हाल दिख रहा है, जबकि फिर से महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में BJP बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कुछ स्थानों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की है। केरल में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहां रविवार को खत्म हुए सप्ताह में पिछले हफ्ते के मुकाबले 50% से ज्यादा केस आए। तो ममता बनर्जी का गढ़ कहे जाने वाले नंदीग्राम के ब्लॉक 1 में भेकुटिया सहकारी कृषि विकास समिति के चुनाव में BJP TMC को करारी मात दी है। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की। इसी के तहत अखिलेश विधानसभा तक पार्टी के विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए निकले, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। तो उधर अखिलेश यादव ने आमंत्रण दिया है कि नीतीश उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए हैं कि विपक्ष के किसी गठजोड़ में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। 2024 का आम चुनाव आप पार्टी अपने बूते लड़ेंगी। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। केरल में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यह रविवार को खत्म हुए सप्ताह में पिछले हफ्ते के मुकाबले 50% से ज्यादा केस आए। केरल में ओणम त्योहार के बाद से कोविड मामलों में उछाल दिख रहा है। केरल की वजह से देश भर में पिछले 7 हफ्तों से कैसेज गिरने का जो ट्रेंड था वो टूट गया। केरल से 12 से 18 सितंबर के बीच 14,865 नए मामले सामने आए हैं। उससे पहले वाले हफ्ते में केरल में 9,805 मामले आए थे। इस हफ्ते देश भर से जितने मामले आए हैं उनमें से 39% अकेले केरल से है। भारत से इस हफ्ते 38,500 मामले आने की संभावना है, जो कि पिछले हफ्ते से करीब 2% ज्यादा है केरल के अलावा बंगाल से भी कोरोना मामले बढ़े हैं। बंगाल में इस हफ्ते कैसेज में 20% का उछाल देखने को मिला है। तमिलनाडु में भी पिछले हफ्ते के मुकाबले 1.5% की मामूली बढ़त देखी गई। तमिलनाडु में पिछले 3 हफ्ते से मामले बढ़ रहे हैं। पुडुचेरी में भी कोविड मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते में दिल्ली और आसपास के राज्यों में कोविड मामले घटे हैं।
दिल्ली में पिछले सप्ताह के मुकाबले इस बार 30% कम केस दर्ज हुए। वहां अप्रैल की शुरुआत के बाद पहली बार वीकली केस 1000 से कम रहे। दिल्ली में मौतों का साप्ताहिक आंकड़ा भी घटकर 6 पर आ गया है। राजधानी में 7 हफ्तों के बाद किसी सप्ताह में 10 से कम मौतें दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कोविड आंकड़ों में भी गिरावट है। ममता बनर्जी का गढ़ कहे जाने वाले नंदीग्राम के ब्लॉक 1 में भैकुटिया सरकारी कृषि विकास समिति के चुनाव में बीजेपी टीएमसी को करारी मात दी है। इस चुनाव में बीजेपी ने 12 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक सीट तृणमूल के खाते में गई है। अगस्त 2022 में तृणमूल कांग्रेस ने कांथी और नंदीग्राम में सहकारी चुनावों में भारी जीत हासिल की थी। तब वहाँ बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। नंदीग्राम सहकारी कृषि विकास समिति चुनाव में तृणमूल ने 52 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट सीपीआईएम ने जीती थी, लेकिन ठीक एक महीने बाद बीजेपी ने समवाय समिति के चुनाव में तख्ता पलट दिया। बीजेपी ने नंदीग्राम ब्लॉक नंबर 1 की भेकुटिया सहकारी कृषि विकास समिति के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। नंदीग्राम के एक नंबर ब्लॉक में 24 सहकारी समितियां हैं, जिनमें 2 पर चुनाव हो चुके हैं। ये चुनाव 4 साल के अंतर पर हुए हैं। फिलहाल 2 समितियां रेयापाड़ा और भेकुटिया में चुनाव हुए। चुनाव को लेकर दिन भर इलाके में राजनीतिक तनाव बना रहा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, वैसे वैसे सीटों पर बीजेपी की जीत की खबरें आने लगी। बीजेपी को जीतता देख शाम को तृणमूल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के लोग लाठी डंडे लेकर उतर आए। पुलिस ने किसी तरह से मामले को संभाला। सहकारी समिति के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों ने गड़बड़ी की शिकायत की। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की। अखिलेश विधानसभा तक पार्टी के विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए निकले। उन्हें पुलिस ने रोक दिया। धरने पर बैठने के बाद वो वापस लौट गए। विधानसभा से लेकर सपा दफ्तर तक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक हुई। समाजवादी पार्टी कार्यालय में करीब आधे घंटे तक चली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। नियम 311 के तहत सपा विधायक विशेषाधिकार हनन की नोटिस देंगे। कल विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा विधायक विशेषाधिकार हनन की नोटिस देंगे। बता दें कि यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अब कल सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। अखिलेश यादव ने महंगाई पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार, जिसे जनता ने दिल्ली में और यूपी में मौका दिया, वो महंगाई के मोर्चे पर विफल रही है। इस सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी है। जनता को लगातार महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की चर्चा करते हुए अखिलेश ने इसे खराब बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा ने जो सपने दिखाए थे वो सब फेल होते नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह ने फुलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। जेडीयू नेताओं की नजर फुलपुर पर भी है, क्योंकि कुर्मी यानी पटेल जाति के नेता, जिससे नीतीश ताल्लुक रखते हैं, रिकॉर्ड 8 बार सीट जीत चुके हैं। फुलपुर से मौजूदा सांसद केशरी देवी पटेल भी कुर्मी है। सपा ने कहा कि नीतीश यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करके यूपी में दुर्जेय बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर नीतीश और अखिलेश एक साथ आते हैं तो बीजेपी, जिसने अपने सहयोगी अपना दल के साथ 2019 में यूपी में 64 लोकसभा सीटें जीती थी, उसको 20 से कम कर समेटा जा सकता है। अखिलेश यादव ने आमंत्रण दिया है कि नीतीश उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा। अखिलेश के इस बयान से जाहिर है कि अगर नीतीश यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ती है तो वह समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार न देकर नीतीश को वॉकओवर देगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नीतीश के पास कोई मौका नहीं है। अपने दम पर नीतीश बिहार में 2014 के लोकसभा चुनावों में मुश्किल से 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे। बाद में चुनावों में उनकी सीट का हिस्सा केवल बीजेपी के समर्थन से बढ़ा, लेकिन अब मोदी के चेहरे के बिना उनके पास यूपी में कोई मौका नहीं है। बिहार में भी उन्हें चीजें मुश्किल लगती थी। आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आज दिल्ली में हुआ। इसमें पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, चंडीगढ़ समेत देश भर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने सम्मेलन में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपकी ईमानदार राजनीति इनके गले नहीं उतर रही है। आम आदमी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पहले
राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2024 के आम चुनाव के लिए पिच तैयार की। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए कि विपक्ष के किसी गठजोड़ में शामिल होने का इरादा नहीं है। पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव पर है। आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के सदस्यों से मेक इंडिया नंबर वन अभियान के माध्यम से भारत के 130 करोड़ नागरिकों का गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा को झकझोर कर रख दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे जोड़ तोड़ का गणित समझ में नहीं आता है। भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाकर आपको कुचलने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। दो दिन पहले ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा था कि राहुल गांधी इसे कमजोर करने के लिए काफी है। ईरान में हिजाब से जुड़ा विवाद आज और गहरा गया। इस शिया मुल्क में हिजाब पर बरती जा रही कट्टरता के विरोध में सैकड़ों महिलाएं देश के पश्चिमी हिस्से में सड़कों पर उतर आई। तो फ्रांसीसी स्पाइडरमैन के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर एलन रॉबर्ट ने पेरिस में एक 48 मंजिला गगनचुंबी इमारत को बिना किसी सहारे के फतह कर लोगों को एक बार फिर से चौंका दिया है। वही समुद्र के अंदर अब बड़े बड़े कैल और समुद्री वीट के जंगलों का पता लगा है। इनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। तो उधर यूक्रेन की एक पूर्व ब्यूटी क्वीन ने रूस के राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि उसने पुतिन के लिए एक बुलेट तैयार रखा है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संग बैठे हुए हैं और अपना ईयरफोन नहीं लगा पा रहे। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ईरान में हिजाब से जुड़ा विवाद आज और गहरा गया। इस शिया मुल्क में हिजाब पर बरती जा रही कट्टरता के विरोध में सैकड़ों महिलाएं देश के पश्चिमी हिस्से में सड़कों पर उतर आई। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने अपने हिजाब को उतार कर फेंक दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। ईरानी लड़कियों ने देश के कई यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया है। दरअसल 22 साल की महसा अमीनी की मौत से ये महिलाएं गुस्से में है। महसा पश्चिमी ईरान में साकेस की रहने वाली थी। वह परिवार से मिलने 13 सितंबर को तेहरान आई थी। वह हिजाब के खिलाफ थी, इसीलिए उन्होंने उसे नहीं पहना था। पुलिस ने महसा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद 16 सितंबर को उनकी मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त महसा पूरी तरह ठीक थी। उन्हें पुलिस की गाड़ी में बेरहमी से पिटा गया। कुछ घंटों बाद परिवार को बताया गया कि महसा को दिल का दौरा आया था और वो आईसीयू में है। ईरान की पुलिस ने पिटाई के आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि ईरान में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। हिजाब उतारना वहां अपराध है, इसकी अवहेलना पर गिरफ्तारी होती है। ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गृह मंत्रालय से कहा है कि वो महसा की मौत के मामले में जांच करे। इसी बीच पश्चिमी कुर्दिस्तान के साकेज में महसा अमीनी के अंतिम संस्कार पर उसे न्याय दिलाने की मुहिम तेज हुई। सुबह से ही लोग जुटना शुरू है, जिससे ईरानी सुरक्षा बलों को चुपके से शव दफनाने न दिया जाए। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर एलन रॉबर्ट ने पेरिस में एक 48 मंजिला गगनचुंबी इमारत को बिना किसी सहारे के फतह कर लोगों को एक बार फिर से चौंका दिया है। यूं तो उनका आसमान छूती बिल्डिंग्स पर बिना किसी सहारे के चढ़ जाना अब सामान्य बात लगती है, मगर चौंकाने वाली बात है कि इतनी ऊंची इमारत पर चढ़ने का कारनामा उन्होंने 60 बरस की उम्र में किया है। इस उम्र में भी उनकी ऐसी फिटनेस देख लोग हैरान हैं। बीते शनिवार को एलन रॉबर्ट पेरिस की एक 48 मंजिला गगनचुंबी इमारत पर चढ़ गए। लाल रंग के कपड़े पहनकर रॉबर्ट ने 187 मीटर यानी 613 फीट ऊंचाई नाप दी। फ्रांस की राजधानी पेरिस के लॉ डिफेंस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्थित इस बिल्डिंग के ऊपर एलन रॉबर्ट बिना किसी रस्सी और तार के चढ़ गए। इमारत के ऊपर चढ़ने के बाद एलन ने अपनी दोनों बाहें ऊपर उठा ली। उन्होंने कहा कि वो लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि 60 साल का होना कुछ भी नहीं है। आप अभी भी खेल कर सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, शानदार चीजें कर सकते हैं। मैंने कई साल पहले खुद से वादा किया था कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मैं उस टावर पर फिर से चढ़ूंगा, क्योंकि 60 फ्रांस में सेवानिवृत्ति की उम्र का प्रतीक है और मुझे लगा कि ये एक अच्छा अनुभव था। एलन रॉबर्ट दुनिया की कई ऊंची इमारतों पर चढ़ चुके हैं। कई बार तो वे बिना अनुमति के चढ़ चुके हैं। इस कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एलन सबसे चर्चित इमारत बुर्ज खलीफा पर भी चढ़ चुके हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। आज के युग में वैज्ञानिकों के पास हाईटेक उपकरण है, लेकिन अभी तक वो समुद्र का पूरा हिस्सा नहीं खंगाल पाए हैं। अब वैज्ञानिकों को पानी के अंदर बड़े जंगल मिले हैं। हाल ही में उनका नक्शा भी तैयार कर लिया गया। ये जंगल ठीक उसी तरह से है जैसे जमीन पर पाए जाते हैं।
बस इनकी वनस्पतियों में अंतर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री दुनिया हमारी सोच से बहुत ज्यादा अनोखी है। लोगों को अब तक लगता था कि उसके अंदर पानी या फिर कुछ खास जगहों पर चट्टाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र के अंदर अब बड़े बड़े कैल्प और समुद्री विट के जंगलों का पता चला है। इनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। जमीन पर पाए जाने वाले जंगल में अलग अलग तरह की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। उसी तरह समुद्र के अंदर मिले इस जंगल में भी एक अलग दुनिया है। वहाँ पर जलीय जीवों की कई प्रजातियां रहती है। इस मामले में रिसर्च कर रहे विशेषज्ञों के मुताबिक यह समुद्री जंगल दक्षिण अफ्रीका के तटों के नीचे ग्रेट अफ्रीकन सी फॉरेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट साउदर्न ड्रिफ्ट में मौजूद है। उनका मानना है कि ये बहुत ही छोटी खोज है, इससे ज्यादा जंगल अभी पानी के अंदर मिल सकते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर इन जंगलों पर पड़ रहा है। समुद्र के जंगल बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा तो समुद्री जीव भी खतरे में आ जाएंगे। रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है और अपनी अपनी जिंदगी जी रहे यूक्रेनियन आज रूस से लोहा ले रहे हैं। वहीं यूक्रेन के एक पूर्व ब्यूटी क्वीन ने भी रूस के राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि उसने पुतिन के लिए एक बुलेट तैयार रखा है। 35 साल की यूक्रेन की एक महिला जो पहले खूबसूरती के जलवे बिखेरा करती थी, उसने अब हथियार थाम लिया है। 35 साल की एवगेनिया प्रोकोपेंको ने 6 महीने पहले अपने परिवार और प्रियजनों को अलविदा कह दिया और पुतिन की सेना से लड़ने वाले यूक्रेनी सैनिकों की मदद करने के लिए एक पैरामेडिक के रूप में लड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में आ गई है। 2012 में यूक्रेन की ब्यूटी क्वीन और मिस अर्थ फाइनलिस्ट रह चुकी एवगेनिया ने कहा कि उसने रूसी आक्रमण में अपने दोस्तों और साथियों को मरते देखा है, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर उसे कभी भी पुतिन से मिलने का मौका मिला तो रूसी राष्ट्रपति से कहने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं होंगे, बल्कि उसके पास पुतिन के लिए सिर्फ एक गोली होगी। उन्होंने कहा कि अब मेरा ड्रेस सिर्फ युद्ध की पोशाक है और यही मेरी पहचान है। युद्ध में सैनिकों की मदद करती हूँ और एक डॉक्टर की सहायक का काम कर रही हूँ। 6 महीने पहले के मुकाबले मेरा जीवन काफी बदल गया। अब मेरा जीवन ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है, बस एक मेकअप बैग और परफ्यूम हमेशा साथ रखती हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संग बैठे हुए हैं और अपना ईयरफोन नहीं लगा पा रहे हैं। अब उसी वीडियो को लेकर यूएस टीवी शो के होस्ट जिमी फॉलन ने पाकिस्तान के पीएम का मजाक बनाया है। दरअसल एससीओ समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच वार्ता होने वाली होती है। इसी बीच पाकिस्तानी पीएम अपने एयरफोन को कान में लगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहबाज ट्रांसलेटर टूल नहीं लगा पा रहे, उनका एयरफोन बार बार नीचे गिरता है। इस दौरान वो कभी बाएं तो कभी दाएं कान में ट्रांसलेटर टूल पहनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नाकाम रहते हैं। परेशान होकर पाकिस्तानी पीएम किसी की मदद मांगते हैं। इसके बाद एक सहायक उनकी तरफ दौड़ता है और एयरफोन लगाता है, लेकिन उनके कान से एयरफोन फिर से गिर गया। बार बार पाकिस्तानी पीएम और उनके एयरफोन लगाने के बीच हो रहे संघर्ष को देख पुतिन को हंसी आ जाती है। वीडियो में जिमी फॉलन कहते हैं ये आदमी 220 मिलियन लोगों का नेता है। हालांकि फॉलन का ये मजाक सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग को पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा कि जिमी फॉलन, क्या आपने पाकिस्तान को तबाह करने वाली विनाशकारी बाढ़ के बारे में बात की है? ये 220 मिलियन लोगों का देश आपके देश के लालच और बर्बादी के कारण हुए जलवायु परिवर्तन से नष्ट हो गया है। तो वीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।